यामा आरएक्स 1995 रिस्टोरेशन प्रोसेस थर्ड एपिसोड में आपका स्वागत है। तो अभी हम क्या रिमूव करने वाले हैं? अब हम इसका पेट्रोल टैंक रिमूव करेंगे। ये इसका पेट्रोल टैंक है, तो इसको रिमूव करते हैं। लो जी, इसका पेट्रोल टैंक हो गया है रिमूव। इसको हम पूरा पेंट करवाने वाले हैं। इसको पूरा पेंट करेंगे, स्टिकर चेंज होंगे, पहले ही पेंट पूरा रिमूव होगा इसका। अच्छा, इसका एक डेंट भी है, इस पे आगे देख सकते हो। इसकी एक पत्ती भी जो है, एक डेंट है यहाँ, एक पत्ती है, ये पत्ती भी इसकी लगेगी वेल्डिंग होके। ठीक है, ये डेंट निकलेगा, ये डेंट निकलेगा। बाकी इसकी पेंट अच्छी कंडीशन में है, अभी कहीं से जंग नहीं खाया हुआ, नीचे से भी सही है। तो ये पेंट होकर बिल्कुल ब्रांड न्यू हो जाएगा। अगर हम इसको बाहर से परचेज करते हैं हाँ, तो जेन्युइन यामा का तो मिलेगा नहीं। ठीक है, तो ये बाहर से लोकल मिलेगा, जो कि आपका 2000 रुपए के आसपास होगा। लोकल होगा, लोकल होगा बिल्कुल 2000। इसकी लोग 6 महीने की गारंटी दे देते हैं, बाकी कुछ होता नहीं है उसको, चलता है वो। पर ये जेन्युइन, उसका वेट इतना हैवी है, तो हम इसको दोबारा पेंट कराएंगे। बिना टैंक के कुछ इस तरीके की आपको पूरी चेसी दिखाई दे रही है आर एक्स 100 की। चेसी में तो कोई कुछ दिक्कत नहीं है, कोई एक्सीडेंट वगैरह, डेंट वगैरह कुछ? बिल्कुल जेन्युइन गाड़ी है, कोई एक्सीडेंटल नहीं है ये पूरी। जब चेसी नहीं हो जाएगी, ये जंग खा गई है बस यहाँ से, ये देखो। हाँ, पीछे तो काफी जंग आपको दिख जाएगा, मैं एक बार पास से दिखाता हूँ। आप ये लगा लो ना, 95 मॉडल है, तब भी उस हिसाब से भी कंडीशन बहुत अच्छी है। 27 साल हो गए यार, 27 साल पुरानी गाड़ी है और अच्छी कंडीशन है अभी भी। और स्टार्ट है, मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ अभी, ये देखो। इसको भी चला भी सकते चला के देखा है इसको, जितना पेट्रोल, जितना पेट्रोल इसके कार्बोरेटर में जो है यहाँ पे। ऐसा लग रहा है कि नेकेड कैफे रेसर बाइक हो ये। वाह, क्या पिकअप है इसका, बहुत। ऐसा लग रहा है जैसे कि नेकेड कैफे रेसर बाइक होती है, बिल्कुल वैसी फील आ रही है। स्कूटी तो नहीं, मैं इसको एक नेकेड कैफे रेसर बाइक बोलूंगा। बहुत कमाल की लुक आ रही है, इनफैक्ट चेसी दिख रही है बाइक की, सारे पार्ट रिमूव्ड है, लेकिन फिर भी इसकी जो लुक है ना, आज भी हाफ किक स्टार्ट, हाफ किक स्टार्ट है। 227 साल पुरानी बाइक है और अभी भी आप इसकी आवाज सुनिए, और हाफ किक स्टार्ट है अभी भी, 27 साल हो चुके हैं इस बाइक के। I can't hear you. आपको बाइक बंद करनी पड़ेगी, बाइक बंद करके बताइए। इसका कार्बोरेटर निकालते हैं, ठीक है। इसका टूटी टैंक निकालते हैं ये, ठीक है, ठीक है जी। उसके बाद इसका फिल्टर बॉक्स है ये, जो बाहर की एयर, जो मिट्टी है हाँ, वो कार्बोरेटर खींचता है, ठीक तो है, वो पहले फिल्टर बॉक्स फिल्टर में जाता है। अगर ये फिल्टर नहीं होता तो कार्बोरेटर मिट्टी चली जाती है, चौक हो जाता। ठीक है, तो फिल्टर बॉक्स रिमूव करेंगे, कार्बोरेटर रिमूव करेंगे। इसकी कॉइल है सारी। अच्छा, ये कॉइल्स भी तो चेंज करनी पड़ेंगी हमें? नहीं, ये कॉइल इसको हम यही रहने देंगे, क्योंकि इनमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, ये हाफ किक स्टार्ट है, जो करंट पास करती है, ये हो गई, ये कॉइल हो गई, एक कॉइल ये हो गई, ये आगे लाइट वगैरह के लिए ना, ये सब बिल्कुल ओके। अगर ये ओके ना होती, ये खराब होती हाँ, हाफ किक स्टार्ट। I can't believe कि एक 27 साल पुरानी बाइक अभी भी हाफ किक स्टार्ट है। एक बार इसको हाथ से स्टार्ट करके देखें। बिल्कुल, ट्राई करते हैं। ट्राई करते हैं। हाफ किक स्टार्ट, हाफ से स्टार्ट हो गई।
दोस्तों ये बाइक है कि मतलब हाथ से भी स्टार्ट हो रही है ये बाइक अभी। अच्छा एक चीज और, जो टू स्ट्रोक गाड़ी होती है अगर आप इनका ऑयल टूटी ऑयल और इंजन ऑयल, सिर्फ इंजन ऑयल इसका सही रखे, टूटी ऑयल टाइम टू टाइम इसमें जाता रहे ठीक है, तो ये कभी भी कुछ नहीं होता। अब इसको 50 साल चला रहे हो तब भी कुछ नहीं होता इसको। अच्छा बस इसको टूटी ऑयल पूरा टाइम टू टाइम पिस्टन में मिलना चाहिए। अगर पिस्टन में टूटी ऑयल नहीं गया तो पिस्टन इसका सूखा चलेगा और हीट होके पिघल जाएगा, टूट जाएगा, गाड़ी सील जाएगी। ठीक है ठीक है ठीक है, कमाल की इन्फॉर्मेशन दोस्तों। RX 100 के अगर आप फैन है तो इस वीडियो सीरीज के साथ ना आपको जुड़ना पड़ेगा, बिकॉज जो इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ पर सनी अभी प्रोवाइड कर रहे हैं ना, ये इन्फॉर्मेशन आपको तभी मिल पाएगी जब आपने सालों साल इस बाइक को चलाया है, इस बाइक को चलाया नहीं, इस बाइक के साथ जिए हो आप। क्योंकि RX 100 सिर्फ एक बाइक नहीं, ये एक वाइब है दोस्तों, जो आपको फील RX 100 देती है वो आप देखिए। ये हमारे पास रॉयल एनफील्ड 500 भी है, लेकिन आप और पीछे देखेंगे अगर आप तो आपको 220 बजाज की 220 भी दिख जाएगी। लेकिन फिर भी हम वापस किस बाइक पे आते हैं सनी? RX 100 सबसे बड़ी बात यामाहा के ऊपर। यस यामाहा। तो अभी हम क्या रिमूव करने वाले हैं? मैं इसका टूटी टैंक रिमूव करने वाला हूँ। ठीक है, ये देखो ये खुल गया क्योंकि ये इसमें ऑयल गिरता रहता है तो इसके पेज बिल्कुल फ्री है। कितने आराम से खुल गए क्योंकि इसमें ऑयल लगा रहता है ना। ये चेंज कर देंगे यार, इसको रिपेयर करके दोबारा से, या तो इसकी सील चेंज कर देंगे। ठीक है, ये सील ही हटा के ना। हाँ, इसकी सील चेंज हो जाएगी पूरा, ये जो पीटर है ये नहीं डल जाएगा। ये लो जी, ये बाहर आ गया आपका टूटी ऑयल। इसकी इसको पीछे से खोलते हैं पहले। ये इसको तो क्लीन करके दोबारा लगा देंगे ना, इसको तो रिमूव चेंज करने की जरूरत नहीं है, या ये सील चेंज हो जाएगी? सिर्फ जो है मीटर और इसकी सील, हाँ ये चेंज कर देंगे बस, बाकी ये तो काम आ जाएगा। इस प्लास्टिक ऐसे कोई दिक्कत नहीं, हाँ इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसको ठीक से साफ करके, साफ करके इसको दोबारा यूज कर लेंगे। अब इसका मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ से इसका पाइप निकलता है, जो कि टूटी ऑयल पंप है। टूटी ऑयल पंप हमने रिमूव कर रखा है। ठीक है, ये जो टूटी ऑयल पंप है इसका, ये हमने यहाँ से निकाल रखा है। इसको हम ऐसे ही यूज़ कर रहे थे, इसका जो पेट्रोल है उसमें मिक्स करके यूज़ कर रहे थे हम इसको, जो टूटी ऑयल है वो हम इसके पेट्रोल में डाल देते थे उससे यूज़। बट बेसिकली यहाँ पे डलता है जो बेसिकली ऑयल पंप यहाँ लगता है। ठीक है, जैसे जिस हिसाब से हम इसका एक्सीलेटर देते हैं, यहाँ से ऑयल खींच के ऊपर इंजन में आता है, कार्बोरेटर में आता है, तो इसको निकाल देते हैं। तो अभी भी जब इसको हम पूरा रिस्टोर कर रहे हैं तो फिर भी हमको टूटी ऑयल पेट्रोल में डाल के यूज करना पड़ेगा, अब ठीक हो जाएगा? लगाएंगे पंप लगाएंगे तो अभी बिल्कुल ओल्ड जो मॉडल है, मतलब बिल्कुल वैसे ही काम करेगा। जो मजा इसके ऑयल जो पंप से आएगा वो नहीं जाएगा, क्योंकि क्या होता है जैसे हम एक्सीलेटर दे रहे हैं, हाँ जो ऑयल जो है टूटी ऑयल वो इसके पेट्रोल में मिक्स कर दिया हमने। ठीक है, गाड़ी अगर धीरे चल रही है हाँ तो भी वो ऑयल उतना ही जा रहा है कार्बोरेटर में। ठीक है, तेज चला रहे हैं तो भी उतना ही जा रहा है। राइट, तो जो इसका पंप होता है उसका काम क्या होता है, एक्सीलेटर जितना एक्सीलरेशन हम दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो उतनी मात्रा में ऑयल टूटी ऑयल सेंड करता है कार्बोरेटर में, ताकि एक्सीलरेशन बना रहे और पिकअप उसके हिसाब से ही ऑयल जाए। ठीक है, अब हम उसमें मिक्स कर देंगे, मानो हमने 1 लीटर में 40 ml यूज कर दिया टूटी ऑयल, अब वो धीरे चल रही है तो भी उतना ही जा रहा है, तेज चल रही है तो भी उतना ही जा रहा है, उससे फिर इंजन की परफॉर्मेंस पे भी कुछ ना कुछ फर्क पड़ता होगा। ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ता, पर हाँ थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है उससे भी। ऑयल टैंक रिमूव हो चुका है, आई थिंक थर्ड एपिसोड को यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी थर्ड एपिसोड में। अब हम एक काम करेंगे कि जो भी हमारे पार्ट्स हैं वो हम इस बॉक्स में डाल देंगे, इसमें डालते जाएंगे ताकि, और थोड़ा सा आइडिया दे दो सुमित कि नेक्स्ट वीडियो में क्या होने वाला है, ताकि लोगों को थोड़ा आइडिया मिल जाए। नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे कि हम इसके पार्ट जो है पेंट कराने के लिए पेंटर को देकर आ रहे हैं, वो देखते हैं कितना टाइम लेता है पेंटर, जिस हिसाब से वो हमको पेंट करके देगा उसी हिसाब से इसमें दोबारा काम स्टार्ट करेंगे, इसकी चेसी वगैरह सब पेंट के लिए जाएगी। तो जो मोटा मोटा हमको पार्ट्स रिमूव करने थे वो सब कुछ वो सब रिमूव हो गए हैं, मेन जो रह गया है इसका आगे के शॉकर, ठीक है, बैक शॉकर, ठीक है, इसका पूरा हैंडल बार, ठीक है, हैंडल हो गया, मीटर हो गया और मेन इंजन।
तो दोस्तों फोर्थ वीडियो में एपिसोड में भी आपको काफी सारी चीजें की इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, जो भी पार्ट्स अभी सनी ने हमको बताए हैं वो फोर्थ वीडियो में आपको दिखाता हूँ कि कैसे रिमूव करने हैं। तो वेट करिए फोर्थ वीडियो का।